जय जगन्नाथ। हैप्पी रथ यात्रा। मैंने आज जगन्नाथ जी को श्रद्धा ज्ञापन अपनी तरफ से किया है। ये एक नेकलेस है जगन्नाथ डिज़ाइन, जो ऑल टाइम फेवरेट है, और ये कैसे बनाया है हम आपसे शेयर करेंगे। ये छोटी दफ्तियों में मैंने पहले फेविकोल हल्का सब लगा लिया है। ये दोनों ईयरिंग्स के हैं और ये लॉकेट का है। इसमें मैंने पहले बालू, ऊपर से बालू फैला दिया है। उसको आप अपने सुविधा से करिए कि बराबर से फैले। ये सूख गया है तो उसको थोड़ा सा ऊपर का एक्स्ट्रा बालू निकाल लिया। बाहर की तरफ मैंने वो पेपर का रोल बना के रखा था, उसी से चारों तरफ फ्रेम कर दिया है। और ऊपर से एक बार फेविकोल और पानी का ब्रश कर देंगे, उससे बालू निकलेगा नहीं। और ये जो कलर के ढक्कन रहते हैं, जो पोस्टल कलर के और फैब्रिक कलर के, उसी से मैंने ये तीन डिज़ाइन किया है। और ये पीछे की तरफ मैंने कपड़ा लगा दिया है उसकी मजबूती के लिए। ये ईयरिंग्स है, ये भी पेपर रोल का एक सर्कल बनाया था मैंने इसी को काट के। और ये कलर पार्ट, आँखों का ये भी पेपर का जो पाइप है उसी से सर्कल करके बनाया है। नेकलेस के अनदर पार्ट्स, ये सुभद्रा जी, साथ ही साथ मैं जितने कलर येलो जहाँ जहाँ देना था लगा दिया। ये तिलक पार्ट, उसको मैंने थोड़ा सिल्वर कलर से कलर किया। यहाँ डॉट्स, पेपर रोल के ये पार्ट्स बहुत सुंदर होते हैं देखने में, कलर करने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलता। और ये जो गैप दिख रहा है आपको, इसका कुछ करना पड़ेगा, वो लास्ट में करेंगे। ऊपर दो बीड्स लगाए गोल्डन, और ये क्रिस्टल स्टिकर्स थे उसको भी मैंने, ये क्रिस्टल स्टोन्स के स्टिकर थे वो, और गोल्डन पार्ट मैंने, गोल्डन बीड्स मैंने लगाए। ये थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ जैसा हो सके डिज़ाइन किया। और ये जो गमछा प्रिंट कपड़ा होता है उसी का थोड़ा सा पीस लेकर इधर थोड़ा डिज़ाइन कर दिया मैंने कि ये गैप दिखे ना। इसका जो ज्वेलरी पार्ट्स जो है थे वो कान में ईयरिंग्स के हुक्स बन गए ईयरिंग्स। और इससे मैंने एक पाइप का सिलाई कर लिया था, उसी से ये गमछा कॉटन जो है
कंप्लीट, थोड़ा सा लिप्स अधूरा लग रहा था। स्नाता मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, थैंक यू स्नाता। जगन्नाथ जी का नाक का आभूषण, कंप्लीट लुक देखिए आपको कैसा लगता है। अब बनाइए, बहुत इजी है, टोटली ज़ीरो वेस्ट है और देखने में बहुत सुंदर होता है ये नेकलेस। इसको आप लंबा भी पहन सकते हैं, इसको आप छोटा करके भी पहन सकते हैं, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, पूरा भरा भरा सा है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।